वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। आज मैं आपको गुरु प्रदोष पूजन और शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य पे आए हुए सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज के गुरु प्रदोष के व्रत पूजन और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार गुरु प्रदोष का व्रत 27 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। प्रदोष व्रत तिथि आरंभ समय यानी कि त्रयोदशी तिथि आरंभ समय 27 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार सुबह 7:48 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 28 नवंबर 2020 दिन शनिवार सुबह 10:22 पे। कोई भी व्रत या पूजन राहु काल के समय में नहीं किया जाता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 10:16:42 से सुबह 11:37 तक। यह राहु काल का समय होगा। इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करे तो यह लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के पूजन के बारे में। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन में संकल्प ले कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके मन में जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु से कहें, भगवान उसको अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कोई भी व्रत नियम और निष्ठा, भक्ति और विश्वास के साथ किया जाए तो उसका अवश्य ही पुण्य फल प्राप्त होता है। मनुष्य के जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक उनके पुण्यों का उदय नहीं होता और जब तक पुण्यों का उदय नहीं होता तब तक मनुष्य को सारे संसार की सुख समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस प्रदोष का व्रत करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रदोष व्रत करने वाले को दिन भर नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। दिन भर उपवास रहना चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध ना करें, किसी गरीब को ना सताएं, महिलाओं का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और बच्चों को प्यार दुलार दें। दिन भर व्रत उपवास रहें। शाम को प्रदोष काल के समय सफेद वस्त्र धारण करें। प्रदोष काल का समय शाम 4:30 से शाम 6:30 तक का समय वह प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करें। सफेद वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नहीं तो घर पे ही अगर है तो घर पे ही भगवान को विधि और विधान के साथ पूजन करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को उनका जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। भगवान आशुतोष कहलाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं और अनेक प्रकार के इनके नाम हैं। भगवान को जल से अभिषेक करने के बाद उनका दुग्ध से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान के ऊपर वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र चढ़ाने के बाद अक्षत, फूल, चंदन, भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाएं।
बिलपत्र पे राम का नाम लिख ले तो यह हजार गुना पुण्य फलदायक होगा। उसके बाद बिलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र चढ़ाए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, त्रिजन्म पाप संहारम, बिलपत्रम शिवार्पणम। बिलपत्र चढ़ाने से तीन जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। तो भगवान को इस मंत्र के द्वारा बिलपत्र चढ़ाए तो यह लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान को भस्म चढ़ाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है तो उनको भस्म चढ़ाए। भस्म चढ़ाने के बाद उनको भांग धतूरा आदि चढ़ाए। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाए। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करे। नैवेद्य में अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पण करे, ऋतु फल मिले तो ऋतु फल भगवान के ऊपर अर्पण करे। उसके बाद भगवान के ऊपर दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद फिर पान चढ़ाए, सुपारी चढ़ाए। भगवान को एला लवंग तांबूलम चढ़ाए तो यह पुण्यदायक होगा। उसके बाद पुष्पांजलि करें। फिर माता पार्वती का इसी प्रकार से माता पार्वती को जल से स्नान कराए, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की समस्त वस्तुएं चढ़ाए। उसके बाद अक्षत चंदन फूल चढ़ाए। माता को फिर धूप और दीप दिखाए, नैवेद्य चढ़ाए, फिर दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद पुष्पांजलि करें और गुरु प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। अगर रात्रि जागरण करते हो तो यह और अनंत पुण्य फल दायक होगा। उसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके एक बार भगवान का पूजन करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, उसके बाद व्रत का पारण करे तो यह अत्यंत लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत करने वाले को दिन भर व्रत उपवास रहना चाहिए। शाम के वक्त एक समय मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।